ये देखिए सारी छतें तोड़ दी। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला जो यहाँ पे सुबह सवेरे नाश्ते में मैं खा रही हूँ मैगी, और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ले चलती हूँ आपको छत में जहाँ पे काम चल रहा है। इतना दिमाग ख़राब हो गया चार दिन से, ठक 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 कर कर के छतें बिल्कुल निकाल रहे हैं वो सारा का सारा नया, मतलब वो बिछाएंगे पत्थर वगैरह कुछ बिछाएंगे, तो इस वजह से इतना दिमाग ख़राब हो रहा ना कि वीडियो भी नहीं बना पा रही। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो पीछे से ठक ठक की आवाज़ आ रही है आपको भी सुनाई दे रही होगी ना, इतना दिमाग ख़राब हो जा रहा, पूछो मत। चलो छत पर चलते हैं, ये आप देख सकते हैं ये देखिए सारा तोड़ दिया। इधर सारा तोड़ने के बाद अब ना इधर भी तोड़ेंगे सब, ये सब तोड़ेंगे ना। अभी तो फिलहाल मैंने कपड़े टांगे हुए हैं, बारिश ऐसा लग रहा है कि बारिश आ रही है पर बारिश आ नहीं रही है, वो ऊपर से ना ये कोहरा लगा हुआ है तो वो कपड़े और भीग जा रहे हैं सूखने के बजाय, तो इनको भी पूरी ईंट निकालेंगे, इसमें पत्थर वगैरह बिछने वाला है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि सारा मलबा यहाँ से निकाल के ये लोग जो भी है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से नीचे फेंक दे रहे हैं, तो मतलब ऐसा हो रहा है ना चार पाँच दिन से, मैं बता नहीं सकती आपको, दिमाग ख़राब हो रहा है इस बात पे कि क्या बोलते हैं, ठक 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 दिन भर ना इंसान सो पा रहा है ना कुछ ना कुछ, तीन चार दिन एक ही में लग गए हैं। अभी ये भी पूरा निकल, इसको भी पूरा निकालेंगे, जो ये ईंटें हैं ऊपर की सारी निकाल रहे हैं वो लोग, फिर इसमें पत्थर बिछेगा तो। और मौसम का तो मैं क्या ही बोलूँ, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं इस तरीके से मौसम बहुत बेकार हो रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और आप देख सकते हैं बाहर, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना, आज तो कम से कम धुंध कम है, नहीं तो इतना ज़्यादा मतलब कोहरा लग जा रहा है कि दिख ही नहीं पा रहा है। कपड़े तो चार पाँच दिन से ऐसे ही धुले पड़े हैं, वो ऐसे ही हैं बेकार। और ये देखो इस तरीके से कपड़े ऐसे ही रखे हैं मैंने, अभी ये सूखे ही नहीं है। इस तरीके से तुड़ाई चल रही है पूरी की पूरी, इस तरीके से काम चल रहा है छत पर पूरा। ये देखिए पूरा। तो फ्रेंड्स, ये कमरा मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, आप देख सकते हैं ऐसे करके ऐसे बेड बना दिया, डबल बेड बना दिया अच्छे से, आप देख सकते हैं, और जो काफी अच्छा लग रहा है खेलने के लिए भी, बेटी के लिए बहुत अच्छा हो गया है। इतने दिन हो गए यार, नीचे वाले कपड़े भी अभी तक नहीं सूखे हैं, बताओ क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता एक ठंड का। इन्होंने इतना सारा ठक 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 करके चार दिन एक में लगा दिया, और इतना दिमाग ख़राब कर दिया, धूल अलग सी और ठक ठक अलग से, बच्चे ना दिन में सो रही है ऊपर, क्योंकि छत का पूरा निकाल रहे हो ऊपर वाला, फिर पत्थर वत्थर बिछेगा, इस वजह से इतना परेशानी हो रही। अभी वायरिंग बोल रहे कि पूरी जो तार आप देख रहे हो इसको अंदर करना है, और इतना काम लगने वाला है बेफालतू, कभी कभी तो ऐसा लगता है बेफालतू में क्यों करवा रहे हैं यार, जिसमें नहीं है उस क्वार्टर में करवा दे, जहाँ पे लोग हैं उसी में करवा रहे करवा रहे करवा रहे, दिमाग ख़राब हो जाता है कई बार यार। बच्चे के साथ हैं कभी कभी ये, मतलब अभी तो कोई परेशानी है क्योंकि छत का कर रहे हैं, लेकिन परेशानी इस बात की हो रही है कि वो ठक ठक की आवाज़ ना सर पे ऐसे चुभ रही है ना, मतलब ऐसे क्या बताऊँ। और उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब इतना सारा फिर ईंट का आवाज़ ये वो, कभी कभी तो दिमाग ख़राब हो जा रहा भयंकर वाला। और गाइस, मैं ना वीडियो नहीं बना पा रही इस वजह से, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय फिलहाल, ठीक है।